सनम बोर्ड पे देखिए जी, ये समझ आया आपको? यस मैम। और ये वाला समझ आया? इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यस मैम। चलो भाई, सनम चलो चलो, मुझे भूख लग रही है। ये तो देखो, मेरी एक झुमके की सेल्फी पे 1000 likes और 400 कमेंट्स आए हैं, और इतनी फनी, मैं क्लास में पूरी हंस रही थी। अल्लाह यार, पता नहीं कैसे उल्लू बना रही थी ये लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात सुनो, जो पहले से उल्लू हो ना, उनको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं होती है। उफ अल्लाह, ये कमेंट तो कोई पढ़ ले। अल्लाह, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पे रिंग पहनाना चाहता हूँ। मतलब ना जान ना पहचान, रिंग बनानी है इनको। कैसे कर लेते हैं सनम? हाथ की सेल्फी इतनी खूबसूरत ली थी, किसका ये कहना राइट है? अरे रहने दो, सब उल्लू के उल्लू हैं। आधी कौन तो पागल हुई है हाथ छूने के लिए। तो बेटा, जब तुम दावत में नजारा दोगी तो ऐसे बेचैन तो होंगे। मेरी बात सुनो, मैंने अपने चेहरे की तस्वीर नहीं लगाई है। यकीनन लड़कों की आधी कौम ना उसको देखने की बेताब ही होगी। हाय सच, और नहीं तो क्या। हाय मेरे अल्लाह, किसी ने गाना लिखा है पूरा। कैसे कर लेंगे लड़के? बात सुनो, ये कोई आर्टिस्ट का लग रहा है, ओल्ड गाय। हाय, वैसे जब भी मैं ऑनलाइन जाती हूँ यार, टू 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 मेरा फोन ही बजता रहता है, मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ। इतने कमेंट्स अजीब करीब यार, ध्यान से कहीं फंस फंस ना जाना। हंसती वस्ती में नहीं हूँ, ऐसा फंसाऊंगी इनको, याद रखें। बात सुनो, कॉलेज के पास एक शॉप में बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, कहो तो देखने चले, मजा आएगा। अरे हाँ चलते यार, मैं घर फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी, ठीक है? तुम भी बता दो। अम्मी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, इस बार मैंने ज्यादा पैसे भिजवाए। इरम इरम, कम बेटा, कम कर, जीते रहो बेटा। और हाँ, इन पैसों में से सबसे पहले अब्बू के लिए व्हील चेयर ले, अब उनके लिए चलना मुश्किल होता जा रहा है। बेटा वो भी आ जाएगी, लेकिन लेकिन पहले घर के बाकी सौदे तो पूरे हो जाए ना। मम्मी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, कमाने के लिए तो आया हूँ आप लोगों को, दिन रात एक काम करता हूँ। सदके जाऊँ बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब ना होती तो मैं तुम्हें कभी परदेश ना भेजती। अम्मी तुम भाई को परेशान तो मत करना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं सनम कैसी है, इरम कैसी है? ठीक है। ओ हाँ, सनम को बता दीजिएगा, उसके लिए लेटेस्ट मोबाइल खरीद लिया मैंने। खबरदार खबरदार जो भेजाओ, तुम दोनों के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कहाँ बिगड़ी है अम्मी, सच बोलूँ तो मुझे तो उसी की छेड़छाड़ वाली बातें और हंसी मजाक याद आता। हाँ बातें तो उस पर ही खत्म होती है, मुझे भी कभी कभी लाजवाब कर देती है। हमारे घर की रौनक जो वो है, इरम तो वैसे ही अल्लाह मियाँ की गाय है। अच्छा बेटा, नहीं डांटूंगी, खुश